ध्यान दो अच्छे से. समीर एंड निशा वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड 1:4 शोड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008. तो तुम लोगों को ऐसे लगेगा सर ये रेशियो कुछ अलग दिया हुआ है. रेशियो कुछ अलग नहीं है, रेशियो 3:1 है. 3:1 तो इन्होंने 3/4 एंड 1/4 कर दिया. क्लियर है? 3+1 कितना होता है? 4. क्लियर है? डन. मतलब डायरेक्ट दे दो. नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दिया है. एडजस्टमेंट देखते थे. एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. नई पार्टनर पूनम करके एड हो रही है, ठीक है, और ऑलरेडी पार्टनर कौन है? समीर और निशा, ये दो पार्टनर है बिजनेस, ठीक है. आगे नंबर 1, पूनम इंट्रोड्यूस ₹120,000 एज अ कैपिटल. पूनम जब बिजनेस में आ रही है तो 1,20,000 का कैपिटल लेके आ रही है. तो पूनम न्यू पार्टनर है. न्यू पार्टनर क्या लेके आ रही है? कैपिटल लेके आ रही है. तो न्यू पार्टनर जब कैपिटल आता है उसकी एंट्री पास करना. क्लियर है? नेक्स्ट. सेकंड, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4-year परचेस ऑफ द पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दिया है मतलब समझ जाने का क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया है, कुछ साल का प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है. तो उस बेस के ऊपर आप लोग को क्या निकालना है? गुडविल निकालना है. तो कैसे निकालने मैं बाद में थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है. नेक्स्ट, एसेट्स वेयर रिवैल्यूड एज अंडर फिक्स्चर दिया हुआ है 45,000. गुडविल को रिवैल्यू का, सॉरी, एसेट्स को रिवैल्यू करना है तो फिक्स्चर्स को 45,000 से रिवैल्यू करना है, ठीक है. तो फिक्स्चर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर लो. फिक्स्चर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर लो. बिल रिसीवेबल 1,20,000 से रिवैल्यू करना है. बिल रिसीवेबल को 1,20,000 से रिवैल्यू करना है. देन स्टॉक को 60,000 से रिवैल्यू करना है. डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस प्रोविजन 20% और डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट, फिर बाद में बिल्स पेएबल ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स. ओमिटेड मतलब भूल जाना, ठीक है. तो इसने क्या बोला कि 15,000 का बिल्स पेबल था उसको ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने में, ठीक है, भूल गया रिकॉर्ड करने के लिए. तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, सो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज अंडर, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया. जैसे कि अभी मैंने तुम लोग को थोड़ी देर के लिए बताया था कि अगर तुम लोग को गुडविल नहीं दिया है, ठीक है, और गुडविल अगर निकालना है तो तुम लोग को कुछ साल का प्रॉफिट भी दिया जाएगा, ठीक है. अगर लॉस है तो लॉस माइनस भी किया जाएगा, ठीक है. तो इतना ध्यान में रखना कि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है उसके बेस पे हम लोग को क्या निकालना है? गुडविल निकालना है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों का मतलब एक ही है. तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर पूनम से एडमिशन. और बोल रहे हैं कि पूनम का एडमिशन होने के बाद बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी वो प्रिपेयर करो. क्लियर है सबको? डन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे बोला गया है अभी हम लोग को पोस्टिंग करना है. हमें पता है कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट और किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है. तो पहले बोला है कैपिटल, समीर और निशा का कैपिटल दिया है. तो कैपिटल अकाउंट हम लोग जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया, ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन में कैपिटल हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पूनम के अकाउंट में लिखना है, पूनम के अकाउंट में, सॉरी, समीर के अकाउंट में 1,50,000 और निशा के अकाउंट में 1,62,000, ठीक है. क्लियर है? फिर बाद में जनरल रिजर्व, जैसे कि मैंने तुम लोग नोट में देखो लिख के दिया हुआ है एनी रिजर्व्स. कल ही मैंने नोट में लिख के दिया हुआ था एनी रिजर्व्स कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. एनी रिजर्व्स कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो टोटल रिजर्व कितना दिया? 48,000. तो 48,000 को ओल्ड रेशियो में बढ़ देने का. तो तुम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो में क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि ये रिजर्व भी किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का ही. तो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, अभी तो नया पार्टनर आया भी नहीं है, ठीक है. तो ये जो बैलेंस शीट दिया गया था वो किसका था? ओल्ड पार्टनर का था. तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ेगा. क्लियर है? तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व
जनरल रिजर्व मत, ठीक है सर कोई लड़की का है खोलो तो, ठीक है तो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है देखो, जब जनरल रिजर्व कितना दिया है 48,000 सर कोई तो बोल गया बोलो ऊपर आ जाओ 48,000 जनरल रिजर्व दिया गया है, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय हमें रेशियो कितना दिया गया है 40 देखो 1/4 और 3/4 और 1 हां 3/4 एंड 1 तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 4 × 4 = 8 12,000 यहाँ पे भी कितना आएगा 12,000 तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 36,000 एंड 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आएगा 12,000, ठीक है क्लियर है सबको। ये रेशियो में हम लोग ने क्या कर दिया, बांट दिया। तो यहाँ पे जाके लिखना है जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जनरल रिजर्व कितना है 36,000 एंड 12,000 समझ में आया क्लियर है। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट नोट में तुम लोग को लिख के दिया था एनी रिजर्व कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट फिर बाद में बोला गया क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है 90,000 जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट एसेट साइड में स्टॉक दिया गया है, तो स्टॉक एसेट में जाएगा, स्टॉक का अमाउंट दिया है 90,000 एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। देन फिर बाद में बोला डे फिक्स्चर, फिक्स्चर भी एसेट है, फिक्स्चर कितना है 60,000। देन डेटर्स दिया है, डेटर्स कितना है, डेटर्स दिया है 1,50,000 और फिर बाद में लेस बोला आरडीडी, लेस आरडीडी। अभी आरडीडी तो हम लोग तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कोई एडजस्टमेंट रीड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बाद में बोला बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया है 90,000 और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट बोला ना, हाँ कितना दिया अमाउंट 90,000 एंड देन कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट हम लोग ने बनाया हुआ है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट दिया 75,000। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा पोस्टिंग अच्छे से, क्लियर है। अभी एडजस्टमेंट पर, अभी एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है पूनम इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम जब बिजनेस में आ रही है तो 1,20,000 का कैपिटल लेके आ रही है, तो जब नया पार्टनर, पूनम एक नई पार्टनर है, तो नई पार्टनर जब कुछ कैपिटल लेके आती है तो क्या एंट्री बनती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे मैं एक रत्न एंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री पास कर देता हूँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है पूनम, तो पूनम अकाउंट, ठीक है पूनम अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पूनम अकाउंट, कितना कैपिटल आया 1,20,000 नेक्स्ट। अभी हम लोग जर्नल एंट्री तो पास कर, अभी इसकी पोस्टिंग भी हमें करनी होगी, ठीक है। जैसे कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और पूनम का नाम क्या, पूनम अकाउंट 1,20,000, ठीक है। और पूनम यहाँ पे क्रेडिट में है तो पूनम के क्रेडिट में जाएंगे और सामने वाले का नाम लिखेंगे बाय कैश बैंक,
और 1,20,000 पूनम चाकोर। समझ में सब। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। बोल रहे हैं कि परचेज नंबर ऑफ परचेज कितना है, 4 ईयर है और 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, ये वर्किंग नोट करने के लिए काम आएगा हमें। ठीक है, आगे एसेट्स रिवैल्यूड एज अंडर, एसेट्स रिवैल्यूड एज अंडर, एसेट्स को रिवैल्यू करना है तो कैसे करना है, फिक्स्चर को 45,000 से रिवैल्यू करना है, तो फिक्स्चर की वैल्यू कितनी दी गई है 60,000 और रिवैल्यू कितने से करना है 45,000। मतलब हम लोग आउटर कॉलम में जाके लिखेंगे 45,000। ठीक है, और इसका बैलेंस आएगा 15,000। 15,000 से क्या करना पड़ेगा उसको, डेप्रिसिएट। ठीक है, डेप्रिसिएट करना पड़ेगा 15,000। पर हमें पता है जब एसेट्स कम होते हैं तो कंपनी को लॉस होता है, और अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लॉस हमेशा डेबिट साइड में लिखना है एंड प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना है। तो बताओ हमारा एसेट कम हो गया, तो एसेट कम हो गया तो कंपनी को लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट साइड पे 15,000 से कंपनी को क्या हो गया, लॉस। आइए बिल रिसीवेबल बोल रहे 1,20,000। तो बिल रिसीवेबल जो है ये पहले का कितना है, 90,000 है, कितना है 90,000 ठीक है 19,000 है। बोल रहा है कि 1,20,000 रिवैल्यू कितने से करना है, 1,20,000 से रिवैल्यू करना है। क्लियर है, इसका मतलब पहले का बिल रिसीवेबल हमारे पास 90,000 का था, अभी 1,20,000 हो गया, मतलब 30,000 से इंक्रीज हो गया, 30,000 से क्या हो गया इंक्रीज। तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडिशनल, क्या बोलेंगे एडिशनल, क्योंकि बिल रिसीवेबल ये हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये हमारा करंट एसेट है, ये हमारा कौन सा एसेट है, करंट एसेट। समझ में, फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्चर, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बराबर। तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, लेकिन जो बिल रिसीवेबल ये कैश वगैरह सब जो होता है वो करंट एसेट होता है। ठीक है, और करंट एसेट को कभी भी वो लिखते नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग एडिशनल बिल रिसीवेबल, क्या लिखेंगे एडिशनल बिल रिसीवेबल। समझ में आया सबको, क्लियर है, डन। तो एसेट्स हमारा वापस से बढ़ गया, एसेट्स हमारा क्या हो गया, वापस से बढ़ गया, तो कंपनी को क्या हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां पे जाएगा, क्रेडिट से बाय बिल रिसीवेबल, 30,000 से प्रॉफिट क्या हो गया, क्लियर है सबको। फिर बाद में आगे बोला गया स्टॉक, स्टॉक को 60,000 लिखना है, तो स्टॉक के अमाउंट एक्चुअल में दी कितनी है 90,000, तो लिखना कितना है 60,000 बराबर। तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा डेप्रिसिएट, क्या करना पड़ेगा कितना डेप्रिसिएट करना पड़ेगा 60,000। ठीक है, पहले कितना दिया है 90,000 दिया है, करना कितना है 60,000, तो 30,000 क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। तो एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया, तो एसेट कम हो गया तो कंपनी को क्या हो गया लॉस, तो लॉस कहां पे जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट फिर बाद में बोला है डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस प्रोविजन 20%। मतलब बोल रहा है डेटर्स की जो भी बुक वैल्यू दी है वो 20% से कम दी है बराबर। ठीक है, डेटर्स में जो भी प्रोविजंस दिया है वो 20% से कम दिया है। तो देखो जरा पहले वाला प्रोविजन, मतलब आरडीडी कितना दिया है 15,000 दिया है, कितना दिया है 15,000 आरडीडी, देखो ना जरा कितना दिया है 15,000 बराबर। ठीक है, बोल रहा है ये जो 15,000 है 20% कम है, लेस देन बुक वैल्यू बराबर। मतलब जो ये बुक वैल्यू, मतलब 15,000 है हमारी, ये बुक वैल्यू है बराबर। बोल रहा है उससे 20% कम है, कम है तो अभी ज्यादा कर दो 20% से, फिर तो 15,000 का 20% कितना होता है 3,000 कितना होता है 3,000 बराबर 10% कितना आएगा 1,500 तो 20% कितना आएगा 3,000 कितना आएगा, कैसे निकाला पता चला, देखो यहाँ पे 15,000 का 20% जीरो कैंसल जीरो कैंसल जीरो कैंसल जीरो कैंसल 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा ये अपना का पकड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कितना था 15,000
बराबर ठीक है, पहले कितना था 15,000 था, अभी क्या करना है, उसने बोला है कि 15,000 है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे कि डेटर्स का दिया अमाउंट 1,50,000, तो उसने ऐसा नहीं बोला कि देखो डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस है, मतलब डेटर्स की वैल्यू लेस किया है 20% से, डेटर्स की जो वैल्यू है 20% से कम है, बराबर ठीक है, तो डेटर्स की वैल्यू कितना है 1,50,000, 1,50,000, तो 1,50,000 का 20% ऐड कर दो फिर 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% ठीक है, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, कितना है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ठीक है, कितना हो जाएगा 3,000, तो कितना 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, समझ में, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 30,000, तो 30,000 हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस, समझ में ठीक है, तो यहाँ पे आरईडीडी कितना माइनस होगा 30,000, समझ में ठीक है, डेटर में से 30,000 क्या होगा माइनस, क्लियर है डन, लेकिन जरा ध्यान दो पहले वाला आरईडी कितना दिया था 15,000, इस साल कितने से बढ़ गया 15,000 और आरईडी बढ़ गया, तो हमें इस साल लॉस कितना हुआ 15,000 का लॉस हो गया, तो इफेक्ट भी कितने का जाएगा 15,000 का जाएगा, समझ में, 15,000 तो ऑलरेडी था ना पिछले साल का, तो 15,000 था ही, इस साल 30,000 हम लोगों ने आरईडी चार्ज किया बराबर, तो कितने से आरईडी चेंज हो गया 15,000 से आरईडी चेंज हो गया, जो कंपनी को क्या हो गया लॉस हो गया, तो यहाँ पे जाके लिखना है 2 आरईडी 15,000, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, फिर बाद में बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बैंक्स, बोल रहे कि ओमिट कर दिया है बिल्स पेबल को, मतलब लिखना भूल गया है, तो वापस से हम लोग इसको लिख देंगे, तो बिल्स पेबल हमें तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है, बिल्स पेबल 15,000 बोल रहा है कि ओमिट कर दिया है लिखने से ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किया हम लोग ने उसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी रिकॉर्ड करेंगे, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाता है, तो लायबिलिटी में जाके लिख देंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 15,000 तो बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड बढ़ गई, तो लायबिलिटी साइड जब बढ़ जाती है तो कंपनी को क्या होता है लॉस, तो लॉस कहां पे जाएगा डेबिट साइड, बिल्स पेबल 15,000, समझ में आया सबको, क्लियर है, सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए ठीक है क्लियर, अभी बोल रहा है कि देखो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड और एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया है ठीक है, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया है ठीक है, अभी 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे रिकॉर्ड चालू यार ठीक है, 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल निकालना है बराबर ठीक है, 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें क्या निकालना है गुडविल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी उसके लिए ठीक है, तो कैसे वर्किंग नोट करना है तो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो बच्चों ध्यान दो कभी भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो स्टेप में किया जाता है, पहला स्टेप है, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट देखो कितना दिया है, पहले साल कितना प्रॉफिट हुआ 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 60,000 प्लस 45,000 प्लस कितना है 75,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 समझ में आया ठीक है क्लियर, अब इसके हम लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे, क्या करेंगे तो 60 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 65 तो कितना आता है 2,00,000 आदि गर्ल्स सर को गर्ल्स ये बड़ी चाले यार क्या है एडिटिंग हो जाएगा
2,55,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है? तो 5 5 5 5 5 25 और 5 5 51,000 कितना आ जाएगा? 51,000. तो इधर आएगा 51,000. ये एवरेज प्रॉफिट क्या मिला? एवरेज, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें. अभी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग सेकेंड स्टेप बनाएंगे गुडविल का. तो गुडविल कैसे बनेगा? तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया 51,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो कितना आ जाएगा? 2,04,000. समझा? ये हमें मिल गया गुडविल. क्या मिल गया? गुडविल. अभी गुडविल मिल गया है. अब इसने क्या बोला था? पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल. मतलब पूनम में क्या लाया? गुडविल लाया. क्या लाया? गुडविल. तो अभी गुडविल लाने की एंट्री पास करना है, ठीक है? गुडविल लाने की एंट्री क्या करना है? पास करना. आगे क्या बोला? देखो, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years फॉर परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years, ठीक है? तो यहाँ पे गुडविल लाने की एंट्री पास करनी, क्योंकि पूनम ने गुडविल का अमाउंट पे किया. बराबर, ठीक है? तो गुडविल लाने की एंट्री तो हमें पता है. क्या एंट्री है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे मैं रफ में एंट्री पास कर देता हूँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है? समीर एंड निशा. तो समीर एंड टू निशा. अभी हमें गुडविल पता है. गुडविल कितना आया? 2,04,000. तो यहाँ पे आएगा 2,04,000. यहाँ पे भी 2,04,000 और 2,04,000 को दोनों में बांटेंगे, ठीक है? तो जब दोनों में बांटेंगे तो रेशियो में देखो 2,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 एंड 2,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है? इसको अभी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? 2,04,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, 4 5 40, ठीक है, 4 5 20, 4 1 4 4 1 4 और 3 0 बाकी है, 51,000. कितना आया? 51,000, ठीक है? तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 51,000 और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 53,000. तो 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 1,53,000 और मल्टीप्लाइड बाय 1 51,000, टोटल मिला के 2,04,000. क्लियर है सबको? डन. तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1,53,000 और 51,000. अभी इसका भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे. तो कैश बैंक अकाउंट कौन से साइड में? डेबिट. तो कैश बैंक के डेबिट में जाने और सामने वाले का नाम, दैट इज गुडविल. 2,04,000 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट में है, तो गुडविल के क्रेडिट में आके कैश बैंक का नाम लिखना है. बाय कैश बैंक. बाय कैश 2,04,000. फिर बाद में गुडविल कौन से साइड में? डेबिट. तो गुडविल के डेबिट में आएगा, दोनों का नाम लिखना है, टू समीर एंड टू निशा. 1,53,000 एंड 51,000 और समीर और निशा दोनों भी क्रेडिट में है, तो दोनों के क्रेडिट में जाना है और पार्टनर के अकाउंट बाय गुडविल अकाउंट. सारे एडजस्टमेंट हमारे कवर है, ठीक है? अभी हम लोग अकाउंट को क्या करें? पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा दो वर्किंग नोट खत्म करेंगे, कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट,
और लास्ट में बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। क्लियर है सर? तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को खत्म करते हैं। 15,000, 30,000, 15,000, 15,000, तो इसका टोटल आया 75,000 माइनस 30,000 तो बैलेंस आएगा 45,000 का बैलेंस आएगा। और ये 45,000 का बैलेंस दोनों पार्टनर में बटेगा 3:4 और 1:4 के रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समीर एंड निशा, समीर निशा। ठीक है, तो रेशियो में बांटते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 एंड 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो पहले हम लोग 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 4 4 1 4, ठीक है, 4 1 4 4 1 4, देन 4 1 4, ठीक है, एक बाकी है 2,000 यहाँ पे 11,250 टोटल मिला के 45,000। क्लियर है सबको? डन। तो यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में आया तो जाएगा डेबिट में, तो यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 33,750 एंड 11,250। इसका कुछ क्लियर है? डन। अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे भी 1,20,000, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो बैलेंस भी रहेगा 1,20,000। Then 1,62,000 + 12,000 + 1,64,000 + 1,74,000 + 71,000 तो इसका टोटल रहेगा 2,25,000 इसमें से माइनस करेंगे 11,250 तो 2,13,750 इसका बैलेंस आएगा। क्लियर है? अब इसकी टोटल करते हैं 1,50,000 + 36,000 + 1,53,000 तो इसका टोटल आया 3,39,000। सेम ईयर 3,39,000 उसमें से माइनस करेंगे 33,750 माइनस करके आएगा 3,05,250। तो इसको हम लोग नाम देंगे बैलेंस कैरी, बैलेंस कैरी। जैसे कि मैंने तुम लोग को लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो इसका बैलेंस हमेशा कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो अमाउंट डेबिट में आया तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। मतलब बैलेंस शीट की क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी में जाके लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समीर, निशा। समीर का अमाउंट है 3,05,250, निशा का अमाउंट 2,13,750 और थर्ड पार्टनर है पूनम, पूनम 1,20,000। टोटल करके देखते हैं 3,05,250 + 2,13,750 + 1,20,000 तो इसका बैलेंस आएगा 6,39,000। क्लियर है? डन। अभी हम लोग तीसरा अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश बैंक अकाउंट 75, 1,25,000, 1,95,000, 1,95,000 + 2,04,000,
1,95,000 प्लस 2,04,000 तो इसका बैलेंस आएगा 3,99,000 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमारा बैलेंस भी रहेगा 3,99,000 तो इसको हम लोग नाम देंगे बैलेंस चेकिंग अकाउंट। ठीक है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट बैलेंस में जाएगा मतलब एसेट में जाएगा तो यहाँ पे जाके लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक 3,99,000। ठीक है डन। फिर बाद में हम लोग गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के बाद तो इसका टोटल आएगा 2,04,000 और उसका भी बैलेंस कितना आएगा 2,04,000। ये अकाउंट क्या जाएगा टैली। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट टैली हो जाए, जब भी इसका बैलेंस बचेगा तो इसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा एसेट पे जाएगा। ठीक है अभी हम लोग टैली करके देखते हैं कि बैलेंस शीट हमारी टैली होती है या नहीं है। ठीक है 6,39,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 तो इसकी टोटल आ गई 7,44,000 और यहाँ पे 60,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,99,000 तो 6,00,000 आरटीडी का अमाउंट हम लोग ने नहीं लिखा, आरटीडी का टोटल हम लोग ने करके नहीं लिखा तो यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा 1,20,000 माइनस करके लिखना था 1,20,000। ठीक है तो 60,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,99,000 7,44,000 अकाउंट हमारा क्या हो गया। ठीक है और एक क्वेश्चन हमारा क्या है खत्म।